हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि काफ़ी समय से एक कमेंट मुझे हमेशा आती थी कि आउट ऑफ स्टेट जाने में, मींस अदर स्टेट जाने पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो कि आपको कैरी करना पड़ता है, किन किन डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत पड़ती है जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट को किसी भी कोई भी गाड़ी से आप जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, जैसा कि जब भी आप कभी प्राइवेट गाड़ी या फिर कोई भी कमर्शियल गाड़ी चलाते हैं तो मैं अभी सीधा आपको प्राइवेट गाड़ी का ही ऊपर बताऊंगा कि प्राइवेट कार में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का यूज होता है, जरूरत पड़ती है जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं। कमर्शियल के मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, कमर्शियल में मैं भी नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से डिटेल से बता दूंगा, बट यहाँ पे मैं आपको सिंपल प्राइवेट व्हीकल के बारे में बता रहा हूँ जो आप खुद से चला भी सकते हैं या फिर ड्राइवर के थ्रू भी आप जा सकते हैं। तो उसमें किन किन आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसका यूज़ करना पड़ता है, तो देखिए सबसे पहले आपको यही चीज़ देखना होगा, सबसे पहले जब आप कहीं अदर स्टेट जाए तो जो रूल्स है उसके हिसाब आपको चलना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि जो आप अपने स्टेट में रहते हैं तो गांव के एरिया में रहते हैं तो बहुत सारे जो चीज़ इलीगल भी होते हैं वो भी लगवा लेते हैं, उनको नहीं पता होता है। बट जैसे कि आप अदर स्टेट में जाएंगे, हाईवे क्रॉस करेंगे या फिर बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो वहां पे हर एक चीज़ चेक होता है, ना केवल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पेपर ओके हैं आप चले जाएंगे, आप डॉक्यूमेंट्स से ओके है बट जो गाड़ी में इलीगल मॉडिफाई वगैरह करा लिए होंगे या फिर थोड़े बहुत छोटे मोटे जो भी मॉडिफाई या फिर एसेसरीज जो कि अलाउड नहीं है वो आप लगवा लिए हैं तो आप डेफिनेटली आपको फाइन या फिर पेनल्टी या फिर सीज भी हो सकता है। तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, तो सबसे पहले यही चीज आपको देखना है कि आपकी गाड़ी में जो भी शीशे हैं, जो भी विंडोज है उसके ऊपर कोई भी ब्लैक फिल्म नहीं होना चाहिए। ब्लैक जो भी फिल्म आती है, जो पन्नी आती है जिससे जो जेट ब्लैक जो लोग करवा लेते हैं, ये एक इलीगल है, इसमें आपका अच्छा खासा फाइन लग सकता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि जब भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाए तो ये सारा चीज़ पहले से ही रिमूव कर ले या फिर ना ही लगवाएं तो ही बेहतर होगा। सेकेंड, आपको देखना है कि कभी भी पैसेंजर सीटिंग कैपेसिटी से ज़्यादा ना ले जाए। अगर आपके गाड़ी में 5 सीटर है तो आप मैक्सिमम 5 लोग ही जाएं, 6, 7, 8 लोग उसमें जबरदस्ती ना जाए, उसमें भी आपको फाइन लग सकता है जो सीटिंग कैपेसिटी है। अगर कोई चाइल्ड, 1-2 चाइल्ड बढ़ जाए तो वहाँ तक ओके, वहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट एडल्ट अगर 2-3 लोग बढ़ जाएँ, 1 लोग बढ़ेंगे तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता, अगर 2-3 लोग से ज़्यादा बढ़ जाते हैं आप जैसे तैसे जाएंगे उस पे भी आपको फाइन लग सकता है। तो सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से जाए, जो गाड़ी में जितना सीटिंग अलाउड है, आपका जो मैनुअल बुक हो रहेगा, आपका जो आईडी रहेगा उस पे ये मेंशन रहेगा, रजिस्ट्रेशन कार्ड में मेंशन रहेगा कि ये गाड़ी कितनी सीटिंग कैपेसिटी के साथ आती है, उतने के हिसाब से जाए। जिस तरह से बाइक में आप देखेंगे ट्रिपल लोड में फाइन मारती है क्योंकि उसमें ट्रिपल लोड अलाउड नहीं था, वो बाइक सिर्फ 2 लोगों के लिए आती है, 2 पर्सन के लिए। तो इसी तरह से जो भी 4-व्हीलर में होते हैं, हर एक 4-व्हीलर का अपना अपना सीटिंग कैपेसिटी होता है, आप उसके हिसाब से चेक करके लोगों को बैठाएं और फिर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएं। तीसरा जो मॉडिफिकेशन, बहुत सारे लोग फ्रंट में गार्ड लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखे होंगे बहुत सारे लोग गार्ड लगा लेते हैं फ्रंट में। ठीक है, तो ये चीज टोटली बैंड है। फ्रंट में कोई भी तरह का गार्ड यूज़ करना टोटली इलीगल है, आपको बहुत मोटा खर्चा होगा, बहुत मोटा फाइन पड़ेगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। आप रिवर्स में लगा सकते हैं, रिवर्स में ऐसा कुछ भी इलीगल नहीं है, आप रिवर्स में लगा सकते हैं, बट फ्रंट में बिल्कुल भी कोई भी ऐसा प्रोटेक्टिंग गार्ड वगैरह कुछ भी स्टेनलेस स्टील वगैरह का कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते, जो एज इट इज़ कंपनी दिया है आपको उसी से चलना होगा, इसके अलावा कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइटिंग वगैरह मॉडिफिकेशन कर सकते हैं थोड़े बहुत। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग हॉर्न का भी मॉडिफिकेशन कराते हैं, बहुत हैवी हॉर्न लगा देते हैं। देखिए, हर एक व्हीकल के हिसाब से हॉर्न को प्लेस किया जाता है, आप थोड़ी बहुत एक हॉर्न के पहले 2 हॉर्न लगा सकते हैं लाउड वॉइस के लिए, बट बहुत सारे इलीगल टाइप का जो साउंड आता है वो चीज़ आप नहीं लगा सकते हैं, इसमें भी आपको फाइन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे चीज़ें छोटे छोटे चीज़ें जो कि आपको व्हीकल से रिलेटेड, पहले आपको अपने व्हीकल को उस हिसाब से तैयार करना है ताकि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रखना है। देखिए, डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि सपोज ये देखिए मेरा डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, ये कुछ आपको इस स्टेप से फाइलिंग कर लेना है, कुछ इस स्टेप से आपको इनवेलप में रखना है। इसमें सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट्स रखना है वो है आपका आधार कार्ड। ये जो आईडी है, आधार कार्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपको कहीं पे भी जाए तो वो आप ज़रूर कैरी करें। सेकंड जो आपका होता है रजिस्ट्रेशन कार्ड। देखिए, कुछ रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है ये इस टाइप का रहता है, आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको ऐसा कैरी करना है, ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरा आपका DL ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारा कार्ड में आता है। ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रखना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो आपका इंश्योरेंस का पेपर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इंश्योरेंस को चेक कर लेना है, ना केवल पेपर रखना है। बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं रहता कि कब उसका इंश्योरेंस फेल हो जाता है या फिर फेल होने वाला रहता है, तो कोशिश करें ऐसे भी इंश्योरेंस फेल होने से पहले करवा लेना चाहिए ताकि आपको फर्स्ट पार्टी में कोई प्रॉब्लम ना हो। 2-4 दिन 1 वीक पहले करवा लें,
कोई इशू नहीं है, आपका जो डेट से एक्सपायर होगा उसी डेट से दोबारा रिन्यूअल भी होगा, आप जितना दिन पहले भी करवा सकते हैं। तो इस चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आप इसमें खोल के एक बार चेक जरूर कर ले कि आपका इंश्योरेंस कौन सा डे में या फिर कौन सा मंथ में एक्सपायर होने वाला है या फिर हो चुका है, ये भी देखना आपको श्योर करना जरूरी है। उसके बाद आपको पॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉल्यूशन बना लेना, क्योंकि मैक्सिमम 100 रुपीज़ का चार्ज रहता है, 100-120 कहीं कहीं पर जगह पर 120, उससे आपका इंश्योरेंस हो जाएगा। जो BS6 गाड़ी है उसमें 1 साल के लिए होता है, जो BS4 से पहले वाली जो पुरानी गाड़ी है उसमें 6 मंथ का होता है। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पेपर है आपका PUC, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाए, ऐसे भी विद इन स्टेट में भी ये सारा जो डॉक्यूमेंट जितना भी मैं बता रहा हूँ ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारा डॉक्यूमेंट चेक करके जाना। PUC बहुत ही कम बजट में आता है, आप 100-120 रुपये अकॉर्डिंग अपने अपने जगह में वेरी करता है, ये 100 रुपये से 120 रुपये में आपको बन जाता है, ऑनलाइन भी इसका शो होने लगता है। तो ये चीज़ ज़रूर करवा लें, अगर नहीं भी मिल रहा दोबारा भी बनवा लें, इससे कोई ज़्यादा चार्ज भी नहीं लगता है। और इसमें एक बेनिफिट और क्या है कि आपका हर एक चीज़ ऐप में शो हो सकता है, तो आप ऐप में भी यह सारा चीज़ चेक कर लें कि वाकई में आपका ऑनलाइन सारा कुछ चढ़ा है या फिर नहीं चढ़ा, तो ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब जो एक लास्ट जो डॉक्यूमेंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसमें इग्नोर कर देते हैं ये सारा चीज़, ये डॉक्यूमेंट्स कुछ आपका होता है नोटरी सर्टिफिकेट, ठीक है, ये ऑथराइजेशन लिख के आता है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ऐसा फोटो लगा हुआ रहेगा, यहाँ पे ऑथराइजेशन वाला रहेगा और ये नोटरी का स्टाम्प रहेगा, यहाँ पे आपका स्टिकर वगैरह लगा हुआ रहेगा। तो ये सारा चीज़ स्टाम्प बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, अगर बहुत सारे लोग घर में क्या होते हैं कि किसी फैमिली मेम्बर के नाम से गाड़ी निकाले होते हैं, या फिर मम्मी का या फिर पापा का या फिर भाई का, तो अगर आपको लेके जाना है तो आपको उससे परमिशन लेना होगा, तो ये परमिशन को ही ऑथराइजेशन बोलते हैं, कि वो आपको ऑथराइज कर रहा है कि आप उसकी गाड़ी को, उसकी व्हीकल को, उसकी कार को चला सकते हैं, आप कहीं ले जा सकते हैं। तो ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अगेन 100-150-200 अपने अकॉर्डिंग, अपने जगह के अकॉर्डिंग से ये बन जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। सब लोग इसमें गलती कर देते हैं, सारा डॉक्यूमेंट्स तो रखते हैं, बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स में, बट ये डॉक्यूमेंट्स उनके नाम पे है ना कि आपके नाम पे, मे बी आप उनको कहीं पे चोरी करके गाड़ी ले जा रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा। तो जो भी पुलिस वगैरह रहे, जो भी ट्रैफिक पुलिस रहेंगे, वो तो डायरेक्ट आपको बोलेगा कि भाई आपसे इसका रिलेशन क्या है, आपको इसने ऑथराइज किया है तो आप इसका गाड़ी चला रहे हैं, तो ये पेपर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल स्टाम्प पेपर में हाथ से लिख लेते हैं, तो ये सारा चीज़ नहीं चलता है, ये सारा चीज़ वैलिड नहीं है, आपको कोर्ट से वैलिड पेपर बनाना होगा जिसमें ऑथराइजेशन लिखा रहेगा, हर एक चीज़ मेंशन रहेगा उसमें, आपका फोटो तक भी रहेगा और उनका सारा DL नंबर वगैरह आपका सारा कुछ रहेगा, उस पर स्टाम्पिंग रहेगा, दोनों पार्टी का साइन रहेगा, तो ये प्रॉपर ऑथराइजेशन पेपर हो गया, तब आप इसके मुकाबले से आप कहीं पर भी गाड़ी इसके साथ में आप जा सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक चीज़ आपको ध्यान से मैं बता देता हूं कि बहुत सारे लोग जो भी DL होते हैं, आधार कार्ड होते हैं और जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होते हैं, इस जो है कॉपी रखते हैं, मींस डुप्लीकेट रखते हैं, ये सारा चीज़ नहीं चलेगा, आपको ओरिजिनल कैरी करना होगा जब भी आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएंगे, ये आप अपने स्टेट में रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ सभी चीज़ का जेरोक्स रखते हैं, बट जेरोक्स बाहर में काम नहीं होता। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप पॉल्यूशन बनवाएं तो दो कॉपी निकलवा ले कहीं से भी, ये दोनों ओरिजिनल कॉपी ही निकाल कर देखिए, तो एक कॉपी आप हमेशा कार में रखें, एक घर में रखें, इनकेस अगर कार चोरी भी होती है तो घर वाला कॉपी आप दिखा सकते हैं, तो ये दोनों ओरिजिनल ही निकल जाती है, पॉल्यूशन का दिक्कत नहीं है, पॉल्यूशन एक ही कॉपी देंगे लेकिन वो ओरिजिनल रहेगा, उसका उतना चार्ज भी नहीं रहेगा, तो ये सारा चीज़ रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक मन में आपको डाउट जरूर आता होगा कि अभी बहुत सारे चीज़ जैसे एम परिवहन हो गया है, डिगी लॉगर हो गया, ये सारा चीज़ में हम डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं और इसमें सेफ भी रहता है और प्लस हम इसको दिखा भी सकते हैं, हम बिल्कुल दिखा सकते हैं, बट आप ऐसा रिस्क ना लें, मे भी कहीं पे भी आपको, अगर आप एक स्टेट से दूसरा स्टेट जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, तो आप ओरिजिनल अपने डॉक्यूमेंट्स ज़रूर कैरी करें, जब आप एक बार घर में आ जाएँ तो फिर आप विदिन अपने स्टेट में आप ये सारा चीज़ प्रोसेस कर सकते हैं, ये सारा चीज़ डुप्लीकेट वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जेरोक्स वगैरह आप रख सकते हैं, बट जब भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाए तो हर एक चीज़ कवर कर ले, मेक श्योर कि आप हर एक डॉक्यूमेंट्स को 1 by 1 चेक कर ले और ओरिजिनल ही कैरी करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया हो, फिर भी कोई कन्फ्यूजन है मुझे सिंपल कमेंट करें, मैं वहाँ पे जरूर अप्लाई करूँगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।